प्रदेश सरकार ने बुधवार से चारधाम यात्रा प्रदेशवासियों के लिए शुरू कर दी है, लेकिन अनलॉक टू में भी कोरोना संक्रमण के भय के चलते गंगोत्री यमुनोत्री धाम में सन्नाटा पसरा। सीमित संख्या में ही श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में नारेबाजी भी की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्रदेश सरकार बिना सोचे समझे फैसले ले रही है। गंगोत्री धाम में माँ भगवती गंगा की जो पूजा अर्चना है वो निरंतर चल रही है। 6 बजे मंगल आरती होती है और 9 बजे हम लोग बाहर का चैनल लगा देते हैं, क्योंकि जो सरकार बेहुदा और बिना सोचे समझे जो फैसले ले रही है उसके हम विरोध में है। सारी गंगोत्री धाम बंद है, कोई तो दुकान खुला है न कोई होटल खुला है, और मंदिर को भी हम सुबह 9 बजे चैनल को लगा देते हैं। न तो वहाँ पर कोई पितृकर्म होना है न कोई तीर्थकर्म होना है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस माह में जुलाई में सरकार को क्या अपने नंबर बढ़ाने के लगी हुई है कि हम चारों धाम को खोल रहे हैं। आज से हम पुरोहित लोग जो है खुशी मठ खरसाली गांव में माँ यमुना के मंदिर में कार्मिक अनशन पे बैठे हैं। देवस्थानम एक्ट के खिलाफ, जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया है, इसके खिलाफ जो है हमने यहाँ पे अनशन शुरू कर दिया है। और हम चाहते माँ यमुना से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार इसमें हार जाए और सुब्रमण्यम स्वामी हमारे जो लड़ रहे हैं हमारी तरफ से वो जीत जाएं। हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं चार धाम से